मुगलों की रानी नूरजहां के नाम पर बसे नूरपुर शहर का नाम किसी जमाने में घमेरी हुआ करता था। कभी शांत सा रहने वाला ये शहर भले ही आज चहल पहल में बदल चुका हो, लेकिन यहाँ से अवलोकित होने वाली रमणीय धोलादार वादियाँ, लजीज पकवान एवं मिलनसार लोग आज भी वैसे के वैसे ही हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, हमारे पास हर तरह की शॉल की वैरायटी है, जिसमें से कुछ एक्सक्लूसिव हमने आपके लिए रखे भी हैं। ये हमारा एक स्पेशल पट्टी वाला वूलन शॉल है, जो कि प्योर वूल और हैंडमेड है। ये हमारे पास अपनी यहाँ पे फैक्ट्री में खड्डियों पे हाथ से बनाया जाता है। इस एक शॉल को बनाने में कम से कम भी 40 दिन लगते हैं। तो इसकी अपने आप में ये इतना वार्म है कि अगर आप बर्फ़ में भी इसको ओढ़ लें तो भी आपको गर्मी का एहसास ही आएगा। हमारे पास बाकी प्रोडक्ट्स जैसे कि हिमाचली कैप्स, हिमाचली वुलन सॉक्स, ये सब चीज़ें हैं। एक हिमाचल की यादगार के लिए नूरपुर शॉल, जो अपने आप में एक यादगार है सबके लिए, वो ज़रूर आते हैं। हमारे पास फॉरेन के टूरिस्ट भी इन शॉल्स के लिए ज़रूर आते हैं, एक्सक्लूसिव हिमाचली शॉल्स के लिए। एम्ब्रॉयडरी वाली शॉल्स, जिनकी भी प्रोडक्शन हमारे पास खुद ही है, ये यहीं पर बनती हैं। स्पेशल एम्ब्रॉयडरी शॉल्स हैं, हिमाचली कैप्स, शॉल्स, सब आपको हमारे पास मिल जाएंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे स्थान की सैर पर, जो कि नूरपुर रियासत के नूर में चार चांद लगा देता है। सन 1580 से 1613 के मध्य में बना ये चिताकर्षी किला, जिसका निर्माण राजा बसु के शासन काल में किया गया। पिछले 400 वर्षों से धमेरी दुर्ग का यह महाकाय एवं प्रधान कपाट, जो कि पूरी दृढ़ता से इस किले की पहरेदारी कर रहा है और विस्मयकारी ढंग से अब तक अखंड है। इस द्वार के दोनों ओर भगवान गजानन कुछ ऐसे विराजित हैं, मानो वो हमें ही देख रहे हो। 16वीं शताब्दी में धमेरी के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया, जिसके बाद सन 1622 में राजा जगत सिंह के शासनकाल में इस रियासत का नाम धमेरी से नूरपुर जाना जाने लगा। नूरपुर का यह नाम मुगल शासक जहांगीर की पत्नी नूरजहां के नाम पर पड़ा। कहा जाता है, जब नूरजहां नूरपुर रियासत में आई, तब वो इस मनभावन एवं सौंदर्य युक्त स्थल से इतनी अधिक प्रभावित हुई कि उन्होंने नूरपुर की इस आकर्षक सरजमी पर अपने लिए एक राजमहल बनवाने का निश्चय कर लिया। परंतु राजा जगत सिंह ये जानते थे कि अगर ये महल यहाँ बन गया तो वे नूरपुर रियासत से जुड़े प्रशासनिक फैसले कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं ले पाएंगे। तो उन्होंने बड़ी चतुराई से महल में उन मजदूरों को काम पर लगाया जो किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित थे। ये सब देखकर रानी नूरजहां ने पूछा कि यहां केवल बीमार लोग ही काम क्यों कर रहे हैं। राजा जगत सिंह ने बताया कि ये सब यहाँ की दूषित जलवायु की वजह से है। इतना सुनते ही नूरजहां ने नूरपुर बसने का निर्णय तत्क्षण त्याग दिया और यहाँ से सदैव के लिए चली गई।
इतिहास के ऐसे पन्नों को अपने अंदर सुजोया हुआ है जो कि इसे और भी शोभायमान बनाते हैं, और इनमें से एक है राजा जगत सिंह के समय में बनाया गया एक ऐसा अलौकिक एवं अद्वितीय मंदिर जो कि अपने आप में संपूर्ण विश्व में केवल एक ही है। श्री ब्रिजराज स्वामी के नाम से प्रचलित इस देवालय में प्रभु श्याम सुंदर की काले संगमरमर की वह दुर्लभ मूर्ति स्थापित है जिसकी पूजा मुरली मनोहर भक्त मीरा किया करती थी। इस मूर्ति को देख ऐसा आभास होता है मानो भगवान श्री कृष्ण हमारे समक्ष ही खड़े हों। इस देवस्थल के पीछे की कहानी भी उतनी ही मनभावन है जितना कि स्वयं ये मंदिर। सन 1620 से पहले इस स्थान पर राज सिंहासन हुआ करता था और ये स्थान दरबारे खास था। अलौकिक मूर्तियों की स्थापना के साथ साथ राजा जगत सिंह ने इन दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक लीलाओं का चित्रण करवाया। भले ही यह चित्रकला अब फीकी पड़ गई हो, परंतु इस रंगसाजी के द्वारा चित्रित होने वाली कहानियाँ अभी भी सहजता से जानी जा सकती हैं। प्रभु नंद गोपाल के चमत्कारी जीवन की घटनाओं का आलेखन करती यह चित्र विद्या एक और भगवान श्री कृष्ण का राक्षसों के साथ युद्ध एवं दूसरी ओर राजसी जीवन का वृतांत सुना रही है। जब राजा चित्तौड़गढ़ से वापिस नूरपुर आने लगे तो पुरोहित की सलाह अनुसार उन्होंने ये अद्भुत मूर्तियाँ चित्तौड़गढ़ के राजा से मांगी और वहाँ के राजा ने भी श्री मधुसूदन और भक्त मीराबाई की कांतिमय मूर्तियों के साथ एक मौलसरी पेड़ बड़ी खुशी खुशी भेंट स्वरूप दिया। कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ से नूरपुर की लंबी यात्रा के दौरान यह पेड़ निर्जीव हो चुका था, लेकिन पूजा एवं मंत्रों की सहायता से इस पेड़ में प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। यह पेड़ अब काफी बड़ा हो चुका है और मंदिर का प्रांगण इसके मनमोहक फूलों की महक से चहक उठता है। इस चित्र में पुष्प सजावट देखी जा सकती है जो कि इन अनमोल चित्रकलाओं को आपस में बांटती है। ये मुख्य चित्रकला उस समय की घटनाओं को दर्शाती है जब भगवान श्री कृष्ण और उनके ज्येष्ठ भाई बलराम मथुरा में पहुंचते हैं और ये दाईं तरफ राजसी हाथी कुबल्यापीड जो कि काफी हिंसक और आक्रामक प्रवृत्ति का था। कंस ने इसका इस्तेमाल युद्ध में भी काफी बार किया था क्योंकि ये हाथी रण में विध्वंस मचा देता था। कंस ने इस हाथी को देवकी नंदन को मारने के इरादे से भेजा था, परंतु देवकी नंदन और उनके ज्येष्ठ भाई बलराम इस दुष्ट एवं आक्रामक हाथी का दांत पकड़कर मरोड़ देते हैं और इस दंत को अपने साथ अखाड़े में ले जाते हैं जहां पर पहलवान चाणूर और मुस्टिक पहले से ही मल्लयुद्ध के लिए इनका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसा कि यहां पर चित्रित किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का चाणूर और मुस्टिक के साथ घोर युद्ध होता है और यह घोर युद्ध मथुरा वासियों को गहरे चिंतन में डाल देता है, परंतु इतिहास की तरह हमेशा विजय धर्म की ही होती है और भगवान श्री कृष्ण एवं उनके ज्येष्ठ भ्राता बलराम दोनों पहलवानों को मार गिराते हैं। श्री ब्रिजराज स्वामी मंदिर के प्रवेश द्वार पर ऐसी ही खिड़कियां हैं। सोचिए किसी समय में ये संरचना कितनी सौंदर्य युक्त हुआ करती होगी। सन 1619 और 1623 के बीच में
नूरपुर के राजा जगत सिंह अपने राज पुरोहित के साथ चित्तौड़गढ़ के राजा के निमंत्रण पर वहां गए। रात को विश्राम करने के लिए उन्हें जो महल दिया गया उसके बगल में ही प्रभु गोविंद का एक मंदिर था। रात्रि के समय राजा को पायल की झनकार और गाने की आवाज सुनाई दी। जब राजा ने आगे जाकर देखा तो पाया कि एक स्त्री भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने भजन गाती हुई नाच रही थी। ये सब देखते ही राजा को पूर्णतया विश्वास हो गया कि यह मुरली मनोहर की अनन्य भगत मीरा ही है। यह दुर्ग का दूसरा हिस्सा देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि शाही निवास में यह रानी के ठहरने का स्थान हुआ करता होगा। सभी दीवारों पर सौंदर्य का सामान रखने के लिए ताक बनाए गए थे जिनमें से काफी सारे अभी भी बरकरार हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे रानी के इस निवास स्थान पर कभी यहां आईने हुआ करते थे। इन पौराणिक दीवारों की ऊपर की छत भले ही इतिहास की मार से अब गिर चुकी हो परंतु ये दीवारें अभी भी उस भव्य भवन की झलक दिखाने में पूर्णतया समर्थ हैं जो कभी यहाँ हुआ करता था। महल का यह हिस्सा धौलाधार पहाड़ों के कांतिमान दृश्य का अवलोकन कराता है। यहाँ का प्रत्येक हिस्सा नकाशी जटिलता एवं जानकारियों से भरा पड़ा है। यहाँ पर गाय, ऊंट, फूलों और देवी देवताओं की चित्तकर्षी नकाशियां हैं और ये भगवान विष्णु के 10 अवतारों का अतुल्य एवं दुर्लभ वर्णन कर रही हैं। प्रभु नारायण के ये 2 अवतार मत्स्य यानी कि मछली एवं कूर्मा अर्थात कछुआ बिना मानुष मुख के दर्शाए गए हैं। भले ही 1905 में कांगड़ा रियासत में आए भूकंप ने इस किले को झकझोर कर रख दिया हो, भले ही अंग्रेजों ने इसे क्षति पहुंचाने में कोई कमी ना छोड़ी हो, लेकिन चंद्रवंशी राजपूतों यानी कि पठानिया कबीले की शौर्य की गौरवमयी गाथा गाता ये किला अभी तक पूरी दृढ़ता के साथ लगा हुआ है।